जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया है कि हाई कोर्ट इस फैसले को निपटाए, आपको लगता है अब हाई कोर्ट जल्दी में कोई फैसला करेगा? देखिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये मामला है, मेरा इससे क्या सर अगर कल फैसला फिर भी नहीं आता, चल रहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट, ये तो पूरी एक गोल चक्कर है। फिर यही इसीलिए उन्होंने वापस नहीं हमें भेजा सर, पटिया की वजह से कि ये जो है उन्होंने कहा कि साहब आज आपके बात नहीं है जो आगे पीछे हमें पूरी पिटाई को लपेटना चाहते हैं सर, ये हम क्वाश करवा देंगे आप सही बात है। साहब ये बताइएगा अगर एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब सर, उसके ऊपर आपको मतलब उनके बार बार उनके ऊपर इतराजात करते हैं, तो सर आप नहीं समझते कि इसके ऊपर कानूनन कोई एक्शन होना चाहिए कि अगर किसी जज के ऊपर किसी बंदे का यकीन ही ना हो? देखिए ये तो बुनियादी एक उसूल होता है कि मुनसिफ जो है उस पर एतमाद साहिल और फरीकैन का होना चाहिए मुकदमे बाद, ताकि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए और सभी को मुनसिफ पर एतमाद होना चाहिए। तो ये उनकी कोर कमेटी जाने उन्होंने कोई इतराजें की हैं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं कोई कोर कमेटी का माफ़ कीजिएगा मेंबर नहीं हूँ, मैं वकालत करता हूँ, इसलिए मैं तो वकालत की हैसियत से ही अपने जो है इस्तदलाल लेता हूँ। मैं ना उनका पाबंद हूँ ना उनकी हिदायत पर चलता हूँ, मैं मुकदमे से मुखलिस होता हूँ, मैं हमेशा साहिल की जो है जो मेरा मौक्किल होता है मैं उसकी ईमानदारी से जो है कानून और आईन के मुताबिक बात सुनिए। आपके घर के ऊपर फायरिंग हुई, हमला हुआ आपके ऊपर, हमला हुआ आपके घर के ऊपर, फायरिंग हुई, इमरान खान साहब आपका पता करने के लिए आपके घर है, जबकि आपके घर जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब भी ना है, आजकल वो जेल में है, आपको तो जाना चाहिए उनकी खैरियत के लिए। जा रहे हैं सर, जा रहे हैं, जा रहे हैं। आपके बारे में मुझे डिटेन किया हुआ है, मेरे उनसे पूछे जो आज रिमार्क दिए चीफ जस्टिस साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि मुलजिम तो जेल पहुंच गया और अभी अपीलों का मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में है और आज खोसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार आना पड़ा, इन रिमार्क्स को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई रिहाई के लिए कोई ऐसे ऑर्डर्स आ सकते हैं अगर चीफ जस्टिस का माइंड ये कहता है तो? मैं कहता हूं लेकिन तो इस्तदाई है कि सजा का जो है ये कलदम है, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और हमारा इस्तदलाल ये है कि सजा बिल्कुल उसी स्टेज पर वापस जाना चाहिए मामला जिस स्टेज पर हमारे जो है जो तहफ़ुज़ात थे कि ना उस अदालत को अख्तियार समाप्त था, ना ही डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है वो कंप्लेंट यानी इस्तगासा करने का वो हकदार ही नहीं था, सो ना कोई आईन कानून की नज़र में इस्तगासा भी मौजूद होता है और ना ही अदालत को अख्तियार समाप्त था, इसलिए तमाम कार्रवाई जो इसकी सजा की पर मुंजबित हुई है ये सारी की सारी जो गैर आईनी गैर कानूनी है, उसकी कोई सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया है कि हाई कोर्ट इस फैसले को निपटाए, आपको लगता है अब हाई कोर्ट जल्दी में कोई फैसला करेगा? देखिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये मामला है, मेरा इससे क्या सर अगर कल फैसला फिर भी नहीं आता, देर से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट, ये तो पूरी एक गोल चक्कर है। फिर यही इसीलिए उन्होंने वापस नहीं हमें भेजा सर, पटिया की इसी वजह से कि ये जो है उन्होंने कहा कि आज आपके बात नहीं है जो आगे पीछे हमें पूरी पिटाई को लपेटना चाहते हैं, ये हम क्वाश करवा देंगे आप सही बात। साहब ये बताइएगा अगर एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब सर, उसके ऊपर आपको मतलब उनके बार बार उनके ऊपर इतराजात करते हैं, तो सर आप नहीं समझते कि इसके ऊपर कानूनन कोई एक्शन होना चाहिए कि अगर किसी जज के ऊपर किसी बंदे का यकीन ही ना हो? देखिए ये तो बुनियादी एक उसूल होता है कि मुनसिफ जो है उस पर एतमाद साहिल और फरीकैन का होना चाहिए मुकदमे बाद, ताकि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए और सभी को मुनसिफ पर एतमाद होना चाहिए। तो ये उनकी कोर कमेटी जाने उन्होंने कोई इतराजें की हैं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं कोई कोर कमेटी का माफ़ कीजिएगा मेंबर नहीं हूँ, मैं वकालत करता हूँ, इसलिए मैं तो वकालत की हैसियत से ही अपने जो है इस्तदलाल लेता हूँ, मैं ना उनका पाबंद हूँ ना उनकी हिदायत पर चलता हूँ, मैं मुकदमे से मुखलिस होता हूँ, मैं हमेशा
साहिल की जो है जो मेरा मौकिल होता है मैं उसकी ईमानदारी से जो है कानून और आईन के मुताबिक बात सुनिए। आपके घर के ऊपर फायरिंग हुई, हमला हुआ, आपके ऊपर हमला हुआ, आपके घर के ऊपर फायरिंग हुई। इमरान खान साहब आपका पता करने के लिए आपके घर है, जबकि आपके घर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब भी ना है, आजकल वो जेल में है, आपको तो जाना चाहिए उनकी खैरियत के लिए। आपके बारे मुझे डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछे और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि मुलजिम तो जेल पहुंच गया और अभी अपीलों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और आज खोसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार आना पड़ा। इन रिमार्क्स को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई रिहाई के लिए कोई ऐसे ऑर्डर जा सकते हैं अगर चीफ जस्टिस का माइंड ये कहता है तो? हमारे कहकर तो इस्तदाई है कि सजा का जो है ये कलदम है, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है और हमारा इस्तदलाल ये है कि सजा बिल्कुल उसी स्टेज पर वापस जाना चाहिए मामला जिस स्टेज पर हमारे जो है जो तहफ़ात थे कि ना उस अदालत को अख्तियार समाप्त था ना ही डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है वो कंप्लेंट यानी इस्तगासा करने का वो हकदार ही नहीं था। सो ना कोई आईन कानून की नज़र में इस्तगासा भी मौजूद होता है और ना ही अदालत को अख्तियार समाप्त था, इसलिए तमाम कार्रवाई जो इसकी सजा की पर मुंजबित हुई है ये सारी की सारी जो गैर आएंगी गैर कानूनी और इसकी कोई वकील है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद कर दिया है कि हाई कोर्ट इस फैसले को निपटाए, आपको लगता है हाई कोर्ट जल्दी में कोई फैसला करेगा? देखिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ये मामला है, मेरा इससे क्या था सर अगर कल फैसला तो भी नहीं देर से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर सेशन कोर्ट, ये तो पूरी एक गोल चक्कर है। फिर यही इसीलिए उन्होंने वापस में हमें भेजा सर पटिया की इसी वजह से कि ये जो है ये हम क्वाश करवा देंगे आप सही। खोसा साहब ये बताइएगा अगर एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब सर उसके ऊपर आपको मतलब उनके बार बार उनके ऊपर इतराजात करते तो सर आप नहीं समझते कि इसके ऊपर कानून कोई एक्शन होना चाहिए कि अगर किसी जज के ऊपर किसी बंदे का यकीन ही ना हो? देखिए ये तो बुनियादी एक उसूल होता है कि मुनसिफ जो है उस पर एतमाद साहिल और फरीकैन का होना चाहिए मुकदमेबाज, ताकि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए और सभी को मुनसिफ पर एतमाद होना चाहिए। तो ये उनकी कोर कमेटी जाने उन्होंने कोई करारदादें की हैं, मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ, मैं कोई कोर कमेटी का माफ़ कीजिएगा मेंबर नहीं हूँ, मैं वकालत करता हूँ, इसलिए मैं तो वकालत की हैसियत से ही अपने जो है इस्तदलाल लेता हूँ। मैं ना उनका पाबंद हूँ ना उनकी हिदायत पर चलता हूँ, मैं मुकदमे से मुखलिस होता हूँ, मैं हमेशा साहिल की जो है जो मेरा मौकिल होता है मैं उसकी ईमानदारी से जो है कानून और आईन के मुताबिक बात सुनिए। आपके घर के ऊपर फायरिंग हुई, हमला हुआ, आपके ऊपर हमला हुआ, आपके घर के ऊपर फायरिंग हुई। इमरान खान साहब आपका पता करने के लिए आपके घर है, जबकि आपके घर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब भी ना है, आजकल वो जेल में है, आपको तो जाना चाहिए उनकी खैरियत के लिए। आपके बारे मुझे डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछे जो आज रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया कि मुलजिम तो जेल पहुंच गया और अभी अपीलों का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है और आज खोसा साहब को सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार आना पड़ा। इन रिमार्क्स को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई रिहाई के लिए कोई ऐसे ऑर्डर जा सकते हैं अगर चीफ जस्टिस का माइंड ये कहता है तो? इस्तदाई है कि सजा का जो है ये कलदम है, ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है और हमारा इस्तदलाल ये है कि सजा बिल्कुल उसी स्टेज पर वापस जाना चाहिए मामला जिस स्टेज पर हमारे जो है जो तहफ़ात थे कि ना उस अदालत को अख्तियार समाप्त था ना ही डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिसर है वो कंप्लेंट यानी इस्तगासा करने का वो हकदार ही नहीं था। सो ना कोई आईन कानून की नज़र में इस्तगासा भी मौजूद होता है
और ना ही अदालत को अख्तियार समाप्त था, इसलिए तमाम कार्रवाई जो इसकी सजा की पर मुंजबित हुई है ये सारी की सारी जो कह रहे हैं गैर कानूनी और इसकी कोई कोसा साहब ये बताइए कि क्या बारे में कहा जा रहा है।